इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स अभी हम देख रहे हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है. ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसी के साथ सब्ट्रैक्शन आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इसके बाद आएगा, पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं. तो दो वेक्टर्स को ऐड करना है अभी. ठीक है, रैंडमली कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड ये वेक्टर है बी वेक्टर. ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. ठीक है, तो ऐड करने का अब रूल क्या है हमारा. रूल क्या बोलता है कि जिन भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके उनको यूज करके पैरेललोग्राम बनाओ. ठीक है, उनको यूज करके पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो. एंड जो पैरेललोग्राम है ठीक है वो इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है, नाउ कंसीडर दिस एज ए बी सी डी. तो एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर. ठीक है, तो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको यूज करके पैरेललोग्राम की दो कंसिक्यूटिव साइड्स को बनाओ. ठीक है ना, यूजिंग दोज टू वेक्टर्स. देन इन दोनों का जो एडिशन होगा दैट इज नथिंग बट इसका मेन डायगनल. इसका मेन डायगनल रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो बेसिकली रूल क्या बोल रहा है. ठीक है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन देयर सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगनल of the parallelogram which is co-initial with given two vectors. ठीक है, which is co-initial with the given two vectors. ठीक है, तो basically कोई भी दो वेक्टर है जिनको ऐड करना, उन दोनों को यूज करके मैं दो कंसिक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बनाऊंगा. तो वहीं से स्टार्ट होने वाली जो डायगनल होगी वो डायगनल इन दोनों का सम को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, अब देखो रैंडमली अगर मेरे पास जैसे मैंने पहले बनाया था रैंडमली कोई भी दो वेक्टर आ गए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. राइट, अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा. तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने अब हमें मालूम है कि ये फ्री वेक्टर है तो बी वेक्टर को ट्रांसलेट करके मैं यहाँ पे लेके आया. ठीक है, कंसिक्यूटिव बना दिया. अब ये वाले बी वेक्टर को जिसको एक्चुअली में ऐड करना था इसको थोड़ा साइड में रखो. क्यों, क्योंकि इसी को एक्चुअली में मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आया क्योंकि फ्री वेक्टर है तो ये दोनों वेक्टर सेम है. अब बी वेक्टर को मैं ऊपर ले गया. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बनाया पैरेललोग्राम कंप्लीट किया मैंने. ठीक है, इस तरीके से देखो ठीक है, तो यहीं से निकलने वाला जो मेन डायगोनल होगा ये इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा. बात खत्म. ठीक है ना, तो इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है, कोई भी रैंडमली कोई भी दो, एक ऊपर है एक इस तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इन दोनों को ऐड करना है तो कोई बात नहीं, इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ऐसे लाइन में लगा देंगे. अब इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे ऐसे. ठीक है, तो ये वाला जो मेन डायगनल यहीं से स्टार्ट होने वाला जो मेन डायगनल होगा ये अगर ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस तरीके से. सो दिस इज आवर लॉ. ठीक है, ये हमारा लॉ बोलता है. ठीक है, अच्छा अब देखो जरा इसी को यूज करके सब्ट्रैक्शन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, देखो अज्यूम करो दिस इज आवर ए वेक्टर. ठीक है, एंड दिस इज आर बी वेक्टर. ठीक है, अब ध्यान से चीज को समझना, बहुत सिंपल सी चीज है. ठीक है, दिस इज बी वेक्टर. अभी हमने क्या बोला, यहां पे हमने पैरेललोग्राम बनाया.
ऐसे करके, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये वाला वेक्टर भी बी वेक्टर होगा, तो इस तरीके से ये जो डायगोनल है हमारा ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हमने बी का उल्टा डायरेक्शन में लेके गए, एंड उतने ही मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा एग्जैक्टली उल्टे डायरेक्शन में, ये हमारा बन के आएगा माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों का पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर भी माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और इन ए वे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। तो यहां से निकलने वाला ये जो डायगोनल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये इन दोनों का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान से देखो ये चीज, अब मैंने ये वाले पॉइंट को एंड ये वाले पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो ये जो है क्वाड्रिलेटरल, ये भी पैरेललोग्राम चला गया, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स हमारे सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर ये ए माइनस बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये चीज है कि हमारा जो मेन पैरेललोग्राम था, ये जो पैरेललोग्राम था इसके अंदर एक वेक्टर हमारा, एक डायगोनल जो है, एक डायगोनल वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एडिशन ऑफ बोथ द वेक्टर्स, और दूसरा वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो कहने का मतलब ये चीज है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज एडिशन, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड वेक्टर्स, ठीक है। जो मर्जी हो जाए इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चीज कैसे पता चलेगा, अगर ये ए वेक्टर है तो देखो, अब ना दो तरीकों से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे, या तो ऐसे देख लो, पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट कर लो, तो यहीं से निकलने वाला जो डायगोनल होगा ये हमारा इन दोनों का सम आ जाएगा, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि ये वाला जो साइड का वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम रहेगा, तो ये भी बी वेक्टर आ जाएगा, राइट। तो इन दोनों का सम जो है ऑब्वियसली ये वाला जाएगा, ये पैरेललोग्राम बोल लो या ट्राइंगल लॉ बोल लो, एक्चुअली में दोनों तरीकों से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अभी तक जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि ये वाली चीज, ये एक्चुअली में ट्राइंगल लॉ था, क्योंकि ये ट्राइंगल का क्या रूल क्या है कि अगर दो साइड्स जो है ट्राइंगल की अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है तो थर्ड साइड जो है वो दोनों का एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये रूल था पैरेललोग्राम रूल का, क्या बोलता है वो कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर दो एडजेसेंट साइड्स जो है ये वाली वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो वहीं से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वो उन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्चुअली में हमने ये चीज देखी कि एक्चुअली में ट्राइंगल रो और पैरेललोग्राम रो वेक्टर एडिशन जो है वो सेम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जो है ये दोनों वेक्टर हमारे सेम होते हैं, ठीक है, ड्यू टू फ्री वेक्टर, तो इसलिए ट्राइंगल लॉ बोल लो चाहे तुम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो एक वेक्टर जो है, सॉरी, एक डायगोनल जो है वो तो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। एंड सिमिलरली अब देखो, यहां से मैं नीचे की तरफ बनाऊंगा, ठीक, या नीचे से ऊपर की तरफ बनाऊंगा, राइट, तो ये वेक्टर अब क्या आ जाएगा, देखो ऊपर से नीचे की तरफ बनाऊंगा तो ये अभी हमने देखा ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब नीचे से ऊपर की तरफ बनाऊंगा तो तुम्हें मालूम है इसका उल्टा हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो वो आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, देखो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, राइट। तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा, अब देखो इसका हेड कहां पे जा रहा है, इसका हेड जा रहा है ए वेक्टर पे और टेल है बी वेक्टर पे, तो इसको बोल सकते हो तुम हेड माइनस टेल, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो अपने आप तुम्हारा बन जाएगा हेड माइनस टेल, तो इस तरीके से तुम इस चीज को बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे, बेसिकली क्या चीज गई, ठीक है, दोबारा देखो जरा, बेसिकली क्या चीज गई वेक्टर एडिशन के अंदर, ठीक है, कि अगर हमारे पास ऐसा है, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, ये पॉइंट है ए एंड दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर,
और देखो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर क्या आएगा, ठीक है, अज्यूम करो ये सी वेक्टर है, वी डोंट नो व्हाट इज सी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू अभी निकालनी है। अब ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली अभी हमने क्या देखा, ऊपर देखो ट्रायंगल रूल दोबारा समझो क्या चीज थी, कि अगर मेरे पास ये पैरेललोग्राम से ट्रायंगल रूल में बनाता हूं दोबारा, ठीक है, देखो ये ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, एंड सिमिलरली ये वाला वेक्टर भी बी वेक्टर बन गया, एंड ये बन गया हमारा डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब भूल जाओ ऊपर वाला सारा। तो ये ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि अगर दो साइड्स को ऑफ ए ट्रायंगल को मैं दो वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के थ्रू, तो जो तीसरी साइड है ठीक सेम ऑर्डर में, राइट, वो भी क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, दोनों का एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा ये चीज एंड ये चीज, तो इन दोनों का सम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड साइड, दैट इज सेम ऑर्डर में, दैट इज ए वेक्टर। तो क्या आ जाएगा मेरा b वेक्टर प्लस c वेक्टर, दैट मस्ट बी इक्वल टू a वेक्टर। तो c वेक्टर की वैल्यू क्या बनी, इसको इधर ले आओ, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो दैट इज नथिंग बट क्या बना, हेड माइनस टेल। तो एक चीज याद रखना, दो पॉइंट्स को, रैंडम पॉइंट्स को ज्वाइन करके a एंड b को, ठीक है, ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि हेड माइनस टेल, ये वाला वेक्टर हमेशा बनेगा जो मर्जी हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने इसका उल्टा डिफाइन किया, ये उल्टा वेक्टर जो होगा ये क्या आ जाएगा, ये हेड इसका बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा। तो अभी हम जो कर रहे थे ये हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ही कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्शन किस तरीके से आएगा, अब मैं ये वाला डायग्राम दोबारा बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो अगेन ये ए वेक्टर हमने बनाया, ठीक है, ये बी वेक्टर बनाया। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, किसी का माइक ऑन हुआ प्लीज ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है ये हमारा बन जाएगा ठीक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे ही बी का उल्टा बनाया अब हमने, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड का, तो ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब ये वाले पैरेललोग्राम के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, तो इस वाले पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसका यहीं से जो डायगोनल निकलेगा वो क्या होगा, वो इन दोनों का एडिशन होगा, राइट, तो इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यहां पर भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब देखो जरा, अब यहीं पे मैंने ए को पीछे की तरफ लेके गया, तो ये आ गया माइनस ए वेक्टर। अब ये वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट किया मैंने, राइट, तो यहां से ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर क्या आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन, दैट इज माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब खुद सोचो ये वाला वेक्टर जो है एंड ये वाला एक दूसरे के अनलाइक है, तो इसलिए ये प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ रहा और ये उसी का एग्जैक्टली नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से ये चीज भी पता चल गई। अब बिल्कुल लास्ट वाला हमारा, ठीक है, कि इन दोनों का एडिशन करना है अगर, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इन दोनों का एडिशन, यहां से जाने वाला ये वेक्टर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, this plus this, that is b vector minus a vector, और देखो ये दोनों एक दूसरे के अनलाइक वेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रायंगल बना हमारा, और ट्रायंगल के अंदर कौन सा वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा एडिशन है, कौन सा सब्ट्रैक्शन है, वो भी हमें सब कुछ पता चला। ठीक है, इस पूरे डायग्राम के अंदर कहीं पर कोई भी डाउट है, या अभी तक हमने जो भी किया है उसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर ऊपर वाला करना है, एक मिनट, सबसे पहले एक रहा थोड़ा और ऊपर सर, इधर ही जैसे आपने एक पिच पहले कराया है ना कि जिसमें दोनों इक्वल आ रहे थे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यस, ये वाले वेक्टर इक्वल आ रहे थे भाई, यस सर, उसके बाद आपने नीचे सेम डायग्राम में आपने वो कर दिया ना कि वो दूसरे में बन रहा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। नहीं 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 नहीं, देख उसकी डायरेक्शन उल्टी है, देख एक यहाँ पे क्या जा रहा है, ये वाला ये जा रहा है तुम्हारा, ये दोनों सेम है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ये भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है ये एग्जैक्टली उसका उल्टी डायरेक्शन का, तो उसका नेगेटिव होगा ना, तो इसका नेगेटिव क्या जाएगा, माइनस ए प्लस बी, तो ये माइनस ए प्लस बी आ गया। ठीक है सर, एक इसके ऊपर भी है जो आपने वो मतलब समझाई ना डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पहला वाला ये वाला, हाँ तो ये देखना नीचे वाला जो नीचे की डायरेक्शन में वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका एग्जैक्टली उल्टे की डायरेक्शन वाला वो आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक है ना, देख मैं इस डायग्राम में बताता हूँ कि अगर यही वाला वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है एक सेकंड, हाँ ये वाला वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब अगर इसी की डायरेक्शन उल्टी होती इस तरफ, तो ये आ जाता इसी का उल्टा, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और देख
ये वाले वेक्टर दोनों सेम हो जाते हैं इन दैट केस, तो यस सर, अपने आप देख ये भी बी माइनस है, ये भी बी माइनस है आ जाता। यस सर, ठीक। तो बस ये समझ ले कि एक वेक्टर को ट्रांसलेट करके हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं ना, फ्री वेक्टर है, तो इसलिए पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है सेम डायरेक्शन में आने वाले। ठीक है, अच्छा चलो, अब इसके बाद है, ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्केलर मल्टीपल। ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्या चीज है ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर? ठीक है, क्या चीज है ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर? बेसिकली पता क्या है, देखो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन में मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन एक वेक्टर को एक पर्टिकुलर स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ऐसा नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो बेसिकली अगर मेरे को एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है, तो इसका स्केलर मल्टीपल क्या चला जाएगा? के टाइम्स ए वेक्टर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के ए वेक्टर, ये चीज अभी हमें समझनी है। ठीक है, तो देखो बेसिकली स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन सेम रहती है अगर के पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे केसेस बनेंगे अब हमारे। ठीक है, कि इफ के इज पॉजिटिव तो के ए वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन दैट ऑफ ए वेक्टर एंड लेंथ बिकम्स के टाइम्स। ठीक है, एंड इफ के इज नेगेटिव देन के ए वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ ए वेक्टर एंड लेंथ बिकम्स के टाइम्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि अगर मान लो मेरे को एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, ए वेक्टर, अज्यूम करो ये मेरे को ए वेक्टर गिवन है, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, अब मैंने अगर 2a वेक्टर निकालना है, a वेक्टर से 2a वेक्टर करना है, तो क्या करूंगा मैं? अब 2 क्या है? पॉजिटिव, तो यानी कि a वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा, तो ये एक a, ये डबल a, तो ये जो वेक्टर है ये 2a वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को 2.5 टाइम्स a वेक्टर करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ढाई गुना लेंथ हो जाएगी, तो 1 2 ये 2.5 इतनी आ जाएगी, तो ये 2.5 टाइम्स a वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम रहेगी इन सबकी। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, इन सबकी डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, सबकी डायरेक्शन सेम है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, और मैग्नीट्यूड जो है, लेंथ जो है, बेसिकली मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, वो उतने टाइम्स के टाइम्स हो जाएगी, बस बात खत्म। ठीक है ना, मैग्नीट लेंथ बिकम के टाइम्स। ठीक है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। अब सोचो अगर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो यहीं पे अगर हमने बोल दिया -1.5 टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, तो पहली बात तो देखो माइनस को भूल जाओ, पहले 1.5 टाइम्स ए वेक्टर करो, तो 1.5 टाइम्स ए वेक्टर का मतलब क्या है? ये एक, ये 1.5 टाइम्स ए वेक्टर, दिस इज 1.5 टाइम्स ए वेक्टर। अब इसी का नेगेटिव करूंगा तो एक्जेक्टली उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब यही होता है, तो ये बन जाएगा -1.5 टाइम्स ए वेक्टर। मतलब अब अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एक तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, प्लस मैग्नीट्यूड जो है उसका या लेंथ जो है वो के टाइम्स स्टिल होगा ही होगा, लेंथ तो चेंज करेगी करेगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी अगर के नेगेटिव है तुम्हारा तो। ठीक है, इस तरीके से हमारा जा रहा है ये वाला पर्टिकुलर। ठीक है, कि के अगर नेगेटिव हो गया तो। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। तो इस तरीके से स्केलर मल्टीपल किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जे कैप यूनिट वेक्टर, नॉट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो ये यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे ये यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आएगी। ठीक है, मतलब अब 3D में अगर मैं डायग्राम देखूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, 3D में तुम्हें इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो यहां से मैंने इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वन लेंथ का वेक्टर लिया, तो उसको बोलेंगे आई कैप। अब मान लो इसी डायरेक्शन में मेरे को एक्स एक्सिस के पैरेलल थ्री लेंथ का, ठीक है, थ्री यूनिट लेंथ का मेरे को एक वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको थ्री को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेसिकली अब मेरा क्या बन जाएगा, इस तरीके से 1 2 3, तो ये बन जाएगा 3 आई कैप।
तो दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर ऑफ लेंथ 3 व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे सोचो कि अगर मेरे को नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ 2 यूनिट लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो यानी कि नीचे की तरफ अब चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, 1 लेंथ 2 लेंथ, तो नीचे की तरफ 2 लेंथ का वेक्टर लेके जाऊंगा तो वो बन जाएगा -2 k-cap। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस की देखो ऊपर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा k कैप, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या वेक्टर आ जाएगा, अब 2 यूनिट लेंथ का चाहिए, तो नीचे की तरफ 2 यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 k-cap, लेकिन क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है तो -2 k-cap। ऐसे ही इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है j कैप। ठीक है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में मेरे को 3 यूनिट लेंथ चाहिए, राइट, तो 3 यूनिट लेंथ का वेक्टर क्या आ जाएगा, 3 j-cap। ऐसे इस डायरेक्शन में -3 j-cap जाएगा, i कैप की x की नेगेटिव डायरेक्शन उस तरफ पीछे की तरफ, तो वो -i-cap आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो i कैप j कैप k कैप है, इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, एंड इनके स्केलर मल्टीपल से सारे के सारे वेक्टर निकाले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब जो एडिशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमने किया है, ठीक है, अगेन जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर किया, इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को डिफाइन करेंगे इन 2D प्लेन। ठीक है, नाउ लेट्स डिफाइन अ वेक्टर इन 2D प्लेन यूजिंग एक्स कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। ठीक है, ये बहुत ध्यान से चीज समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक 2D प्लेन बनाया, ठीक है, सबसे पहले हमने 2D प्लेन बनाया। अब ध्यान से देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल वेक्टर जो होगा वो i कैप होगा, y एक्सिस के पैरेलल वेक्टर जो होगा वो j कैप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चीज तो पहले ही पता है, और ये बनाने की भी जरूरत नहीं होती, ये हमें पता होता है। ठीक है, अच्छा अब सोचो कि अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है जिसकी वैल्यू है 3, 4, तो यानी कि मेरे को x एक्सिस की तरफ कितना जाना है, 3, एंड y एक्सिस की तरफ कितना जाना है, 4, और दोनों पॉजिटिव है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, x एक्सिस की तरफ 3 जाने का मतलब, यानी कि ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला वेक्टर डिफाइन करूंगा। ठीक है, और ये वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ये लेंथ कितनी है, 3 लेंथ, तो 3 लेंथ का x एक्सिस के पैरेलल वेक्टर डिफाइन करना, वो क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज 3 i-cap। अब ये क्या चीज यूज की हमने, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, आई कैप को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी डायरेक्शन में x एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में हमें 3 लेंथ का एक वेक्टर मिल गया, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही हमें अब y एक्सिस की डायरेक्शन में ठीक कितनी लेंथ जाना है, 4, तो यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे ये वाला वेक्टर अब हमें चाहिए, इसकी लेंथ कितनी है, 4, और इसके पैरेलल वेक्टर क्या है, j कैप, तो ये आ जाएगा 4 j-cap। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमें ये वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो ये वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो भाई ये होगा ओरिजिन को इसके साथ ज्वाइन करके, राइट। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है, राइट, तो क्या ये दो साइड्स उसके पैरेललोग्राम की रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये दो वेक्टर्स 3 i-cap एंड 4 j-cap, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आने वाले डायगनल क्या रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों का सम, तो ये बन जाएगा हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर से 3 i-cap + 4 j-cap। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3, 4 इज नथिंग बट 3 i-cap + 4 j-cap। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने तुम्हें समझाया है कि ये 3 i-cap + 4 j-cap कैसे आया। ठीक है, पहले हमने 3 का x एक्सिस की तरफ कॉम्पोनेंट लिया 3 i-cap, फिर 3, 4 का 4 वाला y एक्सिस की तरफ कॉम्पोनेंट लिया 4 j-cap, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज करके। फिर इस पॉइंट तक ये वाला वेक्टर चाहिए था, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है, तो पैरेललोग्राम का जो डायगनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों साइड्स का एडिशन, तो दोनों साइड्स का एडिशन हमने किया, दैट्स नथिंग बट 3 i-cap + 4 j-cap, तो वही इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन जनरल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर इन केस अगर मेरे को पॉइंट दे रखा है x, y, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर वेक्टर आएगा, ये वेक्टर क्या बन जाएगा, दैट इज इसका x कंपोनेंट लो, उसको लगा दो i कैप के साथ, y कंपोनेंट लो, उसको लगा दो j कैप के साथ, दैट्स इट। तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल -1, 2 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा, -i-cap + 2 j-cap। ठीक है, कैसे,
अब अगर इन केस अगर कोई डिटेल में पूछे कैसे, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो माइनस वन कोमा टू, तो हमने यहां तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस की तरफ माइनस वन जाना है, राइट। अब इधर का आई कैप होता है तो ऑब्वियसली उल्टी डायरेक्शन का क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। अब यहां से ऊपर की तरफ कितना जाना है, टू, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ जाना है टू, यानी कि टू जे कैप, वो पॉजिटिव रहेगा। अब यहां पे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो ये जो डायगनल है ये इन दोनों का एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियसली ये डायगनल क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप। अब हमें मालूम है पोजिशन वेक्टर होता क्या है, ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर, राइट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा पोजिशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा माइनस वन कॉमा टू। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर निकाल सकते हैं। हाँ जी, आई कैप जे कैप की फॉर्म में 2D के अंदर जो मैंने किसी भी पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर डिफाइन किया है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक, क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखो जरा ये चीज, इसी के अंदर अब फिर मैं ये चीज बोल सकता हूं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है P x1 y1, ये पॉइंट है Q x2 y2। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, एंड ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स मिल गए। अब मैंने क्या किया, ये वेक्टर डिफाइन किया, ये वेक्टर क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर, दैट इज नथिंग बट हेड माइनस टेल। तो हेड क्या है मेरा, दैट इज पी पॉइंट का वेक्टर, ये दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, माइनस टेल, टेल क्या है मेरा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, तो हेड माइनस टेल आ गया। तो क्या बन गया दिस, अब देखो क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का आई कैप और जे कैप की फॉर्म में तरीका क्या है, कि आई कैप का आई कैप के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स वाला। तो इन दोनों का क्या किया, सब्ट्रैक्शन, तो आ गया x1 - x2 i कैप प्लस y1 - y2 j कैप, तो दिस इज नथिंग बट पी क्यू वेक्टर। तो ये वेक्टर आ जाएगा बेसिकली, ये क्या आ गया, दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करके जो वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर आ गया। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 y1 टू x2 y2 इज नथिंग बट हेड माइनस टेल। ठीक है, तो हेड कहां पे, किस पॉइंट पे था, x1 y1, क्या आ जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, माइनस टेल वाला x2 i कैप प्लस y2 j कैप, राइट। तो क्या चीज आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट हेड का x माइनस टेल का x, i कैप प्लस हेड का y माइनस टेल का y j कैप। तो ये आ जाएगा हमारा पोजिशन, मतलब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये चीज देख ली। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगेन ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो ये जो वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर क्या आ रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये कैसे आया, अगेन इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना जाएगा तुम्हारा, एक्स आई कैप, एंड वाई कॉम्पोनेंट कितना जाएगा, वाई जे कैप। मतलब ये जो लेंथ है ट्राइंगल के अंदर, ये लेंथ है एक्स है, ये ट्राइंगल की लेंथ क्या है, वाई, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या जाएगी, राइट, तो दैट इज नथिंग बट x² + y² √, और वही इस लेंथ, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस पर्टिकुलर वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट्स इट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, याद रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज नथिंग बट x² + y² √। तो इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड आ सकता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, अभी तक जो चीज की है इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, किसी में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कोई हाईफाई चीज नहीं है। जो लास्ट में एक बार फिर से बता दो, जो लास्ट में करवाया है, कौन सा वाला, लास्ट वाला से मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भाई देखो शिवा, हमने क्या किया, पहले पॉइंट लिया, ठीक है, माइक ऑन रखो, पॉइंट लिया, पॉइंट का वेक्टर आ गया एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है, यस सर, इसी का एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप, ये वाला वेक्टर,
और इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर, ये होगा वाई जे कैप। अब एक्स आई कैप की लेंथ कितनी रहेगी यार, ऑब्वियसली एक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। ऐसे वाई जे कैप की लेंथ कितनी होगी, वाई। तो ये जो हाइट है, ये हाइट ट्राइंगल की आ गई वाई, और ये बेस जो है ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, ये आ गया एक्स। तो हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। और जो ये लेंथ आएगी हाइपोटेनस की, वही इस वेक्टर की लेंथ है, क्योंकि वही तो वेक्टर है हाइपोटेनस का वेक्टर, राइट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक्स आई कैप वाई जे कैप का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम, हां जी सेक्शन, बोलो बोलो। सर आपने परसों एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, एक्स आई कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। हम कंबाइन मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते, मतलब जैसे उस दिन में। अब देखो 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 देखो, आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, राइट, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर, राइट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि भाई ये है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये वेक्टर है ना, ये एक्स कोमा वाई का, बट डू यू नो यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन? नो सर। एग्जैक्टली, तो अगर देखो पता है तो मैं यूनिट वेक्टर यहां पे रखूंगा, राइट, अपने आप फिर इक्वेशन से मेरे को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन पता क्या चीज होती है भाई, एक्चुअली में इस इक्वेशन को यूज करके हम पता क्या फाइंड करते हैं, वी जनरली यूज इट टू फाइंड यूनिट वेक्टर। एक्चुअली वी जनरली यूज इट टू फाइंड यूनिट वेक्टर। अब पता कैसे, देखो जरा, अब हमें ये चीज मालूम है कि ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। सेक्शन क्लियर है? यस सर। इनटू यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी इसी वेक्टर की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो दिस इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। आई होप क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। जैसे जैसे एग्जांपल, तो अगर मान लो वो बोल रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट माइनस थ्री कोमा फोर, तो वो क्या बोल रहा है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट जो आएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल का यूनिट वेक्टर निकालो। तो पहली बात तो ये बताओ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, लेट्स से दैट इज ए वेक्टर, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। सेक्शन बाई क्लियर है? यस सर, राइट। अब इसकी डायरेक्शन का हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट फाइव, नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव अंडर द रूट फाइव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब जो हमारा ए कैप, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर के कैप डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो माइनस थ्री बाय फाइव आई कैप प्लस फोर बाय फाइव के कैप। So this is the vector which is of magnitude 1, which is in the direction of minus 3 i cap and 4 k cap. I hope clear hua section. Yes sir. Pakka? Yes sir. Haan ji, kisi aur ko koi doubt hai to bolo please. Sir, udhar k cap kyun aaya, j ke bhi hai? Kahan pe? नहीं नहीं सर, वो पूछ रही थी के कैप के लिखे जे कैप। नहीं नहीं, वो गलती से लिख दिया, वाई एक्स वाई था तो वाई आई आई एन जी आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, और कोई डाउट सर? हाँ जी रोमांचू बोलो। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना है। कहाँ पे बोलो सर? ओ थोड़ा सा और।
सर ये वाला जो आपने समझाया है, हाँ जी नहीं सर आप ऊपर काफी ऊपर आ गए, नीचे थोड़ा सा करना। सर थोड़ा सा और, सर यही वाला वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। हाँ जी इसमें सर आपने जो डायग्राम पे एक बार स्क्रॉल करना सर। सर इसमें ये जो डायगोनल है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप नहीं होगा? देखो पहली बात तो ये पॉइंट की वैल्यू है एक्स वन वाई वन, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप होगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बात समझे? यस सर। ये जो पॉइंट है ये एक्स टू वाई टू है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप हो जाएगा। तो ये वाला जो डायगोनल है ये डायगोनल क्या जाएगा, हेड, हेड मतलब ये वाला वेक्टर माइनस टेल मतलब ये वाला वेक्टर। तो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप माइनस एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, तो यानी कि दिस माइनस दिस जाएगा ना, तो दोनों का डिफरेंस आएगा। ओके सर। पक्का सर? पर ये तो दूसरी डायगोनल है ना, देख मैं ऐसे करके ये वाली डायगोनल बनाता तो जाके दोनों का एडिशन आता, मैंने तो सब्ट्रैक्शन, देख दो डायगोनल्स होती है ना पैरेललोग्राम में। यस सर। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था कि एक रिप्रेजेंट करती है एडिशन और दूसरी क्या रिप्रेजेंट करती है, सब्ट्रैक्शन। बात समझा ना? एक रिप्रेजेंट करती है और दूसरी सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है। अब एडिशन कौन रिप्रेजेंट करता है, जो देख अब ये दो पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, यहीं से निकलने वाली जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगी वो एडिशन रिप्रेजेंट करेगी, एंड दोनों के हेड को माइनस करके जो आएगा वो सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगी। बात समझा? यस सर। तो अब नीचे yes, समझ गया आगे। ठीक है ना, अब डायग्राम में देखेगा तो दोनों के हेड को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली वो दोनों के सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर होगा, इसलिए यहां पे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। पक्का? थैंक यू सर। वेलकम। यस सर। हां जी किसी और को कोई डाउट भाई पूछ लो अभी भी। ठीक है चलो आगे चलो आप। ठीक है अच्छा तो ये तो आ गया 2D का। ठीक है अभी 3D का देखते हैं। ठीक है वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप इन 3D। ठीक है तो अब ध्यान से देखो, जैसे 2D में किया ना एक्चुअली में, अगर 2D में समझ आ गया ना तो 3D में भी समझ आ जाएगा, 3D में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ये एक्स ये वाई जेड, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए कोमा बी कोमा सी। अब एक्चुअली में ए कोमा बी कोमा सी का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस की तरफ ए आना पड़ेगा। देखो एक्स एक्सिस की तरफ ए आना पड़ेगा तो यानी कि ये ए आई कैप आ गया, राइट। वाई एक्सिस की तरफ कितना आना पड़ेगा, बी आना पड़ेगा तो ये बी जे कैप आ गया। जेड एक्सिस की तरफ सी आना पड़ेगा तो ये इस तरीके से सी के कैप आ गया। ठीक है अब इन तीनों को ऐड करके यहां तक कैसे पहुंच गए। ठीक है अब ध्यान से देखना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये हटा रहा हूं फिर से। ठीक है मैंने बनाया एक, ये छोड़ो, ठीक है ये पहले क्यूब वर्ड बनाया। अज्यूम करो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है P, दिस इज योर A कोमा B कोमा C, मतलब X एक्सिस की तरफ A आए हैं तो ये A रिप्रेजेंट करेगा, ये A रिप्रेजेंट करेगा, ये A रिप्रेजेंट करेगा, ये A रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है चारों के चारों जो एजेस हैं ये A रिप्रेजेंट करेगा। अब Y एक्सिस वाले B, तो ये B, ये B, ये B रिप्रेजेंट करेगा, ये B। एंड Z एक्सिस वाले C, तो यानी कि ये C रिप्रेजेंट करेगा, ये सी रिप्रेजेंट करेगा, ये सी रिप्रेजेंट करेगा, ये सी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है अब जो चीज हमें चाहिए सिर्फ वही लिख रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं। ठीक है ये बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, जो मेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल एबीसी चाहिए, तो ये आ गए। अब ध्यान से देखो, अब इस वेक्टर इसकी लेंथ ए है तो ये वाला जो वेक्टर है वो क्या जाएगा, ए आई कैप। ठीक है तो ये वेक्टर आ जाएगा ए आई कैप।
ऐसे ये वाला वेक्टर की लेंथ बी है तो ये आ जाएगा बी जे कैप, एंड ये वाले वेक्टर की लेंथ है सी तो ये आ जाएगा सी के कैप। ठीक है, तो अपने अपने डायरेक्शन में आ गए, लेकिन अब हमें चाहिए एक्चुअली में ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर कैसे मिलेगा, ठीक है ध्यान से देखो जरा। अब पहले ये जो प्लेन आ रहा है, ठीक है नीचे की तरफ ये जो प्लेन आ रहा है, इस प्लेन में आने वाला ये जो दो वेक्टर है, एक ये ए ले लो ये बी ले लो, एक ये ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर को ऐड करके क्या मिलेगा इसका डायगनल, वो डायगनल आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली इसका जो मेन डायगनल होगा जो यहीं से स्टार्ट होगा, तो ये डायगनल क्या रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का एडिशन। तो ये वेक्टर आ गया मेरा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छा अब ये अगर सी आई कैप है, तो अभी मैंने तुम्हें बोला कि ये वाला जो वेक्टर है ये भी सी आई कैप होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये वाला वेक्टर निकाला वो भी आ गया सी सॉरी सी के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाया इसके अंदर, ये ट्राइंगल लॉ के अंदर क्या जाएगा तुम्हारा, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ये थर्ड साइड का वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो थर्ड साइड का वेक्टर है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा अब यही चीज जो है ये मैं तुम्हें 3D में दिखाता हूं। ठीक है, 3D में एक सेकेंड को, ठीक है अच्छा तो हमें बनाना है, क्यों भी ले लो, ओके ठीक है। हाँ जी, तो ये इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो इसके अंदर किस तरीके से जाएगा ये, हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे वेक्टर बन सकता है क्या, वेक्टर फ्रॉम अ पॉइंट, अरे चलो रहने दो यार, देखो जरा मैं यहीं पे एनोटेट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर है, ठीक है ये वाला जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा ए आई कैप, ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है बी जे कैप, एंड ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है सी के कैप, क्योंकि ये भी सी के कैप रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये जो नीचे बेस आ रहा है इस बेस का जो डायगनल है ये वाला डायगनल, ठीक है ये डायगनल क्या रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का एडिशन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, राइट। अब ये इस तरीके से ऐसे ज्वाइन किया, तो ये वाला जो वेक्टर है वो है सी के कैप। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो क्या चीज बनी, ये वाला वेक्टर बना हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, एंड ये वाला वेक्टर बना हमारा सी के कैप। तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करके ये वाला जो वेक्टर आएगा वो आएगा इन दोनों का एडिशन, तो दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरीके से। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट जो है 3D में, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, जैसे 2D में था वैसे ही। ठीक है, ध्यान से देखो आप दोबारा क्या चीज हम बोल रहे हैं कि 3D में ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, यही रहेगा, रेंडमली मैं कोई भी x, y, z नहीं ले सकता। तो 3D में कोई भी पॉइंट अगर है x, y1, z1, तो इसका ओरिजिन से ज्वाइन करके ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, इस तरीके से ये पर्टिकुलर पॉइंट बन जाएगा सर, पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बन जाएगा। हाँ जी भाई कुशाग्र बोलो। सर इसमें z वाला कंपोनेंट ऐड क्यों हुआ था वो समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। ठीक है, वापस आ जाओ डायग्राम पे। ठीक है भाई, एक चीज बताओ मेरे को। ठीक है, अगर मैं सिर्फ x एंड y की बात करूं, ठीक है तो देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो कंपोनेंट है ये आ रहा है एक्स आई कैप, एंड ये वाला जा रहा है वाई जे कैप। हाँ जाना, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली एक्स एक्सिस थी, ये वाली वाई एक्सिस थी। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, ओके सर आगे समझो, पॉइंट रेस्ट भी होगा। हाँ ये बनेगा ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो बेसिकली क्या बना, अब ध्यान से देखो मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है बिल्कुल, तो ये बेस के अंदर जो ये जो बेस का स्केयर बन रहा है, तो ये जो बेस का स्केयर बन रहा है इसका ये जो डायगनल आ रहा है ये आ रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसकी हाइट भी तो रेज होगी, हाइट रेज करके ये वाला जो वेक्टर है ये, यस सर। ठीक है ना, इस तरीके से पक्का क्लियर है,
यस सर क्लियर है. राइट, किसी और को कोई डाउट आया? ओके चलो आ जाओ. तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया. सेम तरीके से अब इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है, 3D के अंदर एक्स वाई जेड, ठीक है. अच्छा, अब अगर ये एक पॉइंट है ए, एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, एंड ये एक पॉइंट है बी, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है. तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा, राइट, वो क्या आएगा, अगेन हेड माइनस टेल, ठीक है. तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, हेड का पोजीशन वेक्टर, दैट इज एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप माइनस टेल का, दैट इज एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप. तो इस तरीके से हमारा हेड माइनस टेल आ जाएगा. तो क्या बना ये आई कैप का क्वेश्चन, एक्स वन माइनस एक्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसे ही जे कैप का क्वेश्चन y1 minus y2 and k cap का coefficient z1 minus z2. तो इस तरीके से i cap, j cap, k cap का coefficient आ जाएगा. x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2. Basically head minus tail कर रहे हैं. Head का ये क्या हो रहा है? Head का x minus tail का x हो रहा है. Head का y minus tail का y, head का z minus tail का z हो रहा है. ठीक है? इस तरीके से हो रहा है. अब ऐसे ही कोई भी vector जो है i cap, j cap, k cap की terms में उसका को magnitude निकालना है. ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इस वाले वेक्टर का अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान से देखो जरा क्या करेंगे. ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक, ये क्या रहेगा? ये रहेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अंडर रूट. सिमिलर पहले जो तरीका किया था वही तरीका. अब इसको 3D के थ्रू मैं समझा देता हूं ये कैसे आता है. ठीक है, ध्यान से देखो जरा, इसको 3D के अंदर ही जाके समझाता हूं मैं. ठीक है, ध्यान से. अच्छा, ये देखो जरा इस डायग्राम के अंदर से, ठीक है, ध्यान से देखो कि ये जो लेंथ है ये जा रही है x, ये जा रही है y. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये भी x होगा. तो ये जो डायगनल है, बेस का जो डायगनल है, बेस का जो रेक्टेंगल जा रहा है उसका जो डायगनल जाएगा ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है, इस तरीके से डायगनल जाएगा. अच्छा चलो, अब ध्यान से देखो जरा, अब मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं. ठीक है, तो यहां पर ये जो डायगनल जा रहा है ये जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट. यहाँ पे ये जो हाइट जा रही है ये तो जेड के पैरेलल है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, जेड. तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. अपने को ये लेंथ चाहिए डायगनल की, इसका डायगनल का लेंथ चाहिए. डायगनल का लेंथ मतलब जो वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो देखो ये क्या जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट. तो ये जाएगा हमारा मेन डायगनल की लेंथ, और वही हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा. बात खत्म. ठीक है, तो इस तरीके से इसका निकाला जाएगा. तो यही चीज हमने इधर बोली कि एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ले लो या ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप ले लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के क्वेश्चन का स्क्वायर अंडर द रूट. बच्चे यहां पर ना जनरली धोखा पता कहां पे खाते हैं, जनरली गलत क्या करते हैं, मान लो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, विच इज क्लियरली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट आई कैप जे कैप. अगर आई कैप जे कैप है तो ही जाके तुम कोफिशियंट का स्क्वायर करके एड कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं कर सकते, अदरवाइज ये गलत. ठीक है, ये चीज याद रखना. ठीक है, ये चीज भूलना मत, ये चीज याद रखना, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं. ठीक है, चलो अब इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं. अभी तक जो हमने किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2D एंड 3D, इसी के रिलेटेड देखो. हाँ जी बोलो सर. हमने जो पहले 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर लिखा है, हाँ जी, कहां पे? यही सर जो अभी आपने समझाया था. हाँ जी, हाँ जी, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर. यस सर. सर मतलब कि ये यहाँ पे आई कैप और जे कैप नहीं लिखा है, ये वेक्टर की लेंथ नहीं होगी ना, इस तरीके से नहीं निकालेंगे. हाँ, इस तरीके से नहीं निकालेंगे. मैं वही बोल रहा हूँ कि इस तरीके से नहीं निकालेंगे. जब तक हमें ए को नहीं दे रखा, बी नहीं दे रखा, तब तक, और ए और बी को इधर पुट करना पड़ेगा आई जे के की फॉर्म में. अब मान ले ए वेक्टर तेरे को दे रखा है टू आई कैप प्लस जे कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है तेरे को जे कैप प्लस के कैप, अज्यूम कर ये दे रखा है. अब ए वेक्टर को इधर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा तेरा,
twice of 2 i cap plus j cap plus 3 times j cap j cap. ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. अब i cap का क्वेश्चन क्या जा रहा है, 2 टू द 4, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर. ठीक है, j cap का क्वेश्चन क्या जा रहा है, 2 j cap plus 3 j cap 5 j cap, तो 5 का स्क्वायर. और k cap का क्वेश्चन क्या जा रहा है, इधर से 3, तो 3 का स्क्वायर. तो ये एक्ट करेगा आप मैग्नीट्यूड यहां अब निकाल सकते, क्योंकि अब हमने a एंड b को i j k की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो बेसिकली जब तक वेक्टर हमारा i j k की फॉर्म में ना आ जाए, तब तक हम स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करके जो मैग्नीट्यूड निकालते वो नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ i j वैलिड है. थैंक यू सर, वेलकम. ठीक है, आगे देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई जेड सो दैट वेक्टर्स a वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस जेड के कैप एंड b वेक्टर दैट इज i टू आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप आर इक्वल. तो भाई दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, a वेक्टर एंड b वेक्टर, जब उनके कॉम्पोनेंट्स इक्वल होंगे. ठीक है ना, तो यानी कि एक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 2i cap plus yj cap plus k cap only if x वाला component equal होगा, j वाला equal होगा, z वाला equal होगा. मतलब x should be equal to 2, ठीक है, 2 should be equal to y and z should be equal to 1. तो x y z की यहाँ से value आ जाएगी. हाँ जी, please confirm करो, clear हुआ, कोई doubt तो नहीं इसमें. दो vectors तभी equal होंगे जब उनके x y z के coefficients equal होंगे, otherwise वो equal नहीं हो सकते. ठीक है, अच्छा अब आगे देखो question. If a vector is i cap plus 2 j cap and b vector is 2 i cap plus j cap, is a vector magnitude equal to b vector magnitude? ठीक है, are a vector and b vector equal? ये दो क्वेश्चन. ठीक है, पहली बात तो दोनों वेक्टर तो इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि इधर i cap आ रहा है, इधर 2 i cap आ रहा है, राइट? तो कॉम्पोनेंट इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली बोथ आर नॉट इक्वल. ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल. इक्वल होने के लिए सब कुछ सेम होना चाहिए, आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन, के कैप का क्वेश्चन सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी जाके ये सब कुछ इक्वल आएगा. ठीक है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं आ सकता, नहीं नहीं आ सकता. ठीक है, अच्छा अब देखो क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के द्वारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो रूट 5. b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जा रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो रूट 5. तो यस, बिल्कुल इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट वेक्टर नहीं इक्वल. ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2i cap plus 3j cap plus k cap, राइट? तो क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर के को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. तो लेट्स से दिस इज a वेक्टर, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है, 2i cap plus 3j cap plus k cap का मैग्नीट्यूड. तो दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 4 प्लस 9 प्लस 1 अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट रूट 14. तो रूट 14 से डिवाइड कर दो. तो a कैप मतलब a वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दैट इज नथिंग बट a वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14. तो दैट इज 2 बाय रूट 14 i कैप प्लस 3 बाय रूट 14 j कैप प्लस 1 बाय रूट 14 k कैप. इस तरीके से ये हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ध्यान से देखना, यही बेस बनाएंगे तुम्हारा सारा का सारा. ठीक है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दैट इज आई कैप माइनस टू जे कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 7. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड 7. अब देखो, मान लो ये ए वेक्टर है, दैट इज आई कैप माइनस टू जे कैप. अब इसी के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7,
राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर ढूंढेंगे। अब यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 है तो हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें अपने आप ही 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले अगेन क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमने a का मैग्नीट्यूड निकाला, a का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस 2 का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, वो आ गया रूट 5। तो a वेक्टर का यूनिट वेक्टर a कैप क्या आ गया, i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय रूट 5, दैट इज i कैप बाय रूट 5 माइनस 2 बाय रूट 5 j कैप, ठीक है, दैट इज a कैप। अब 7 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 7 a कैप कर दो, तो ये आ जाएगा व्हिच इज अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू a वेक्टर एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड 7। तो क्या आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 7 i कैप बाय रूट 5 माइनस 2 j कैप बाय रूट 5, ठीक है। तो क्या आ गया, 7 बाय रूट 5 i कैप माइनस 7 टू द 14 बाय रूट 5 j कैप, दैट्स इट। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं अभी तक, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक। अच्छा अब अगर कोई भी दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है ना, टू प्रूव टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब ए के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाते हैं या एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे, अब ध्यान से देखो, अगर ये एक ए वेक्टर है, ये अगर दूसरा बी वेक्टर है, राइट, तो ऑब्वियसली ये पैरेलल होंगे ना, तो अगर ये पैरेलल होंगे तो यार हमें मालूम है एक पैरेलल वेक्टर जो होता है और दूसरा पैरेलल वेक्टर, ये एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे, लैम्डा टाइम्स का मतलब डायरेक्शन तो सेम है तो लेंथ में फर्क होगा ना। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इफ ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर देन ओनली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कोलिनियर, एल्स नॉट। अब क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब भी मैं एक वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाना चाहिए, तो तभी जाके करेगा ना जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो यानी कि ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होने चाहिए तभी जाके ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं हो सकते। इसलिए हमने क्या किया, बी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, अगर वो ए वेक्टर बन गया तो ही जाके वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल a वेक्टर इज i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इज k i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप, ठीक है। फाइंड k, चलो फाइंड k फॉर a वेक्टर एंड b वेक्टर टू बी कोलिनियर, ठीक है। अगर a वेक्टर एंड b वेक्टर को कोलिनियर होना है तो k की वैल्यू फाइंड करो, तो अगर ऐसा है तो a वेक्टर मस्ट बी लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, दैट इज i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, ठीक है, मस्ट बी लैम्डा टाइम्स k i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप। अब देखो जरा, यानी कि k लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू i का कोएफिशिएंट 1, 4 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड माइनस 2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 बाय 2, यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 बाय 2, तो लैम्डा यस लैम्डा इज 1 बाय 2, लैम्डा को इधर 1 बाय 2 पुट किया तो k बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। तो फॉर k इज इक्वल टू 2 दीज टू वेक्टर्स आर नथिंग बट कोलिनियर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। चलो तो आज हमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें की हैं, एक वेक्टर का मेन आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे आता है, दो पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर कैसे बनता है आई कैप जे कैप के कैप कोएफिशिएंट की टर्म्स में, राइट, उनका मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालना है, दोनों को एड वगैरह कैसे करके क्या वेक्टर आएगा, सब्ट्रैक्ट वगैरह करके क्या वेक्टर आएगा, स्केलर मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक बात की है, इन्हीं के रिलेटेड आज आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, वी आर डन।